जी नारी हरियाली फिर की करना तत्तालो सुन पैया रे वाले अवेना चीर दरतालो मनुखता नु बचाना है सृष्टि नु बचाना है इस करके हर व्यक्ति नु प्रयास करना होगा कि पर्यावरण नु बचाइए अपनी इस जनरेशन नु बचाइए आने वाली जनरेशन नु बचाइए। पांच जून का दिहाड़ा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के तौर पर मनाया जाता है। तो अज कंपनी बाग में खड़े हैं जिथे कि MLA नॉर्थ कुमार विजय प्रताप सिंह पहुंचे हुए ने। इस मौके पर वक् वक् NGO तो वालों जोड़े कि बूटे वंडे जा रहे हैं तो लोगों जागरूक किया जा रहा है। गलबात कर लेते हैं MLA साहब साढ़े मौजूद ने। सर की कहोगे जोड़ा अज दिहाड़ा मनाया जा रहा है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे? देखो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून में मनाया जाता है। अज भी देखो किसान मीडिया वालों ASGI सेंटर वालों तो अभरवा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है तो होर संस्थावां वालों आज कंपनी बाग दे विच ये प्रोग्राम रखा गया है। इस दे विच तरह तरह के बूटे लोगों नूं दिते जा रहे हैं। इहदे विच ये है कि इन्होंने थीम रखा होया है कि एक रुख देश देना। कहने का मतलब है कि देखो देश दे नाते करना ही करना है, अपने ना ही कर लो तो बहुत वड्डी गल होगी, क्योंकि आज देखो मनुखता नूं खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि जिस तरीके दे नाल पर्यावरण का विनाश हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे ने, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस करके देखो मनुखता नूं बचाना है सृष्टि नूं बचाना है इस करके हर व्यक्ति नूं प्रयास करना होगा कि पर्यावरण नूं बचाइए अपनी इस जनरेशन नूं बचाइए आने वाली जनरेशन नूं बचाइए। और सर एक बड़ी कड़वी सच्चाई है, रुख लाउण वाले जिहड़े हाथ ने उह घट ने, वढ़ण वाले हाथ जिहड़े कि उह ज़्यादा है। देखो तुसीं इशारा कर रहे हो, मैं सिर्फ अमृतसर की गल करांगा। जदों BRTS प्रोजेक्ट बनाया गया 200 साल पुराने जिहड़े रुख सीगे माल रोड ते, कोट रोड ते, होर कई सड़कां दे उत्ते कट दिते गए जी। RTI भी अप्लाई होया, उन्हां रुखां दे बारे कोई जानकारी कोई दिंदा ही नहीं। किसे भी होर कंट्री दे विच जाके देखोगे ना, कोई भी जेकर प्रोजेक्ट लगाउणा है जां कोई डेवलपमेंट करना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट दा जिहड़ा सिद्धांत है ना यूनाइटेड नेशनस वालों दिता गया, उस सिद्धांत दे हिसाब दे नाल कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलता है। लेकिन BRTS करके अमृतसर नूं रुख विहीन कर दिता गया। एक तरीके नाल देखो अमृतसर वासियों नूं परेशान किया गया जानबूझ के, BRTS दे नाल की फायदा होया की नहीं होया। मैं BRTS की गल करता हाँ कि सड़क दे विचकार जो सड़क है सारे उसकी निंदा करते हैं कि सड़क दे विचकार सड़क नहीं होनी चाहिए सी। जिस तरह नॉर्मल सड़क है ना, बसा सिटी बस सर्विस होनी चाहिए है। आज भी असी असैम्बली दे विच भी असी गल की कि सिटी बस सर्विस वध तो वध होनी चाहिए है, कनैक्टिविटी वध तो वध होनी चाहिए है। लेकिन जो रुख काट दिते गए ना जी, वो तुसीं आने वाले 100 सालों दे विच भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हो। एक होर मैं पंजाब की गल करांगा, जदों फोर लेनिंग चल रही सीगी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇੜ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪੇੜ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ प्रोग्राम जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत की पालना जरूर करनी चाहिए। सर छोटी सिटी बस प्रोजेक्ट की तुम गल की, सिटी बस जो कि धूड़ फांक रहा है, क्या चुकोगे सवाल विधानसभा में भी सिटी बस प्रोजेक्ट दोबारा चलाया जाए? मैं तो पहला भी चुकया सवाल, तो हूँ भी तुम देखो दो प्रोजेक्ट ने, एक BRTS दे, BRTS दे भी बहुत सारे बस वैसे ही तुम बाईपास जाके देखो, वल्ला बाईपास जो उन्हों का सेंटर है उत्थे वो सारिया बसा मतलब
30% तो ज़्यादा बस नहीं चल रही है। और सिटी बस सर्विस जो लॉन्च होया सी करोड़ा रुपए लगा के, वो तो प्रोजेक्ट चलिया ही नहीं। और उन्हें बसों की हालत तुसी जाके देख सकते हो, वो हुन मतलब वो कबाड़ नू मतलब कबाड़ बन चुके ने। तो जो कबाड़ वाले होंगे वो लेके जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि देखो कोई प्रोजेक्ट लागू करना है तो वधिया तरीके दे नाल सोच विचार के सिस्टमैटिक तरीके दे नाल लागू करना चाहिए। सर अज भी लोग प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा करते रहे तो जागरूक नहीं हो पा रहे क्योंकि प्लास्टिक लगातार हार्मफुल बन रहा है पर्यावरण वास्ते। देखो जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, मैं यही कहूँगा कि वो पूरी दुनिया के विच बैन किया जा रहा है। उस नालों ज़्यादा वधिया है ये देखो तुसी कपड़े का तुसी देख सकते हो, उपर उठा लो जी कोई भी बैग जो साडा ट्रेडिशनल बैग हुंदा सी इस तरीके का बैग है, जां तुसी छोटा मतलब जो आज प्लास्टिक बैग दी थां कपड़े का जूट का जेकर बना के असी यूज करते हाँ तो बहुत वधिया रहेगा। और मैं ही कहूँगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक ते बैन लगाना चाहिदा है, और बैन सरकारी तौर ते नहीं, बैन तो लोगों वालों ही लगाना चाहिदा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक की वरतों ही ना करो। उस दे नाल पर्यावरण दे विच बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और सब तो वड्डा नुकसान मनुखता नूं सृष्टि नूं हो रहा है जी। तो ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है जी, तापमान बढ़ता जा रहा है, इस तों बचने वास्ते की लोगों नूं तुसी अपील मैसेज करना चाहोगे? देखो उसका सर्वोत्तम उपाय है वध तो वध पेड़ लगाओ, और जो पेड़ लगे हुए ने उसकी सांभ संभाल करो। दूसरा एयर कंडीशनर या इस तरह के जो गैस जो नुकसानदेह गैस छड़न वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ने घट तो घट उसका यूज होना चाहिए है। और कोशिश करनी चाहिए है कि जो अपना मकान बनाइए तो हवादार मकान बनाइए। असी मतलब पहला जो मकान बनते थे ना वो हवादार बनते सी, तो आज जेकर कमरिया दे विच एसी ना लगाओ तो 10 मिनट फिर रहना मुश्किल हुंदा है। तो जो मकान बनाउन दा तरीका है वो भी बदलना चाहिदा है, जो टाउन प्लानिंग दा सिस्टम है उनू भी बदलना चाहिदा है, दो मकान दे विच डिस्टेंस होना चाहिदा है। तो तुसी हौली हौली देखोगे कि इस तरीके दे नाल असी जेकर करांगे तो बहुत छेती ग्लोबल वार्मिंग ते असी काबू पा सकदे। तो बिल्कुल जी, ਇਹ ਨੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਏ ਸੀ ਦਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨ ਜੀ ਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਪਸਰੀਚਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।